आपके YouTube चैनल फन एंड केयर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा कि हम लोग तुलसी प्लांट की केयर कैसे कर सकते हैं। तुलसी में ना काले काले कीड़े लग जाते हैं या वाइट वाइट से कीड़े लग जाते हैं, तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं होम रेमेडीज से, जिसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, बस जो हमारे किचन में सामान अवेलेबल होता है उसी से, और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा हमारा और तुलसी भी बहुत अच्छे से ग्रो होगी। तो चलो चलते हैं वीडियो में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बारिश के मौसम में ऐसे काले काले कीड़े लग जाते हैं बहुत ज़्यादा तुलसी में, और ये हमारी तुलसी को ना ख़राब कर देते हैं। देखो जैसे स्पेस पे बहुत कम है अभी, ये देखो इधर कितने सारे हैं, ये एक ही लीव्स के अंदर कितने सारे हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए तुलसी को अच्छी ग्रो होने के लिए, एक तो ना हमें इसको टाइम टू टाइम इसकी गुड़ाई करनी चाहिए हमें तुलसी की किसी भी चीज़ से, मतलब खुरपी की हेल्प से, जिससे कि इसका पानी प्रॉपरली ड्रेन होता रहे और प्रॉपरली नीचे जाता रहे। पहली बात, हमें तुलसी ना इतने छोटे प्लांट्स में कभी नहीं लगानी चाहिए, और हमें ना तुलसी को हमेशा बड़े प्लांट्स में लगाना चाहिए। सेकेंडली, जो तुलसी के ऊपर से सीड्स आते हैं, इसकी जो मंजनी बोलते हैं, इसको हमें टाइम टू टाइम कट कर लेना चाहिए कैंची से, जिससे कि ये क्या करती है हमारी तुलसी को ना बढ़ने में रोकती है, और उसमें तुलसी में पत्ते ही नहीं आ पाते और ये तुलसी आगे ग्रो नहीं हो पाती। तो हमें टाइम टू टाइम इसको कट करते रहना चाहिए, जैसे कि मैं कैंची से बहुत आराम से ये कट हो जाते हैं। और ना इन्हें हमें फेंकना नहीं चाहिए, हमें इसे किसी खाली गमले में डाल देना चाहिए, उससे क्या होता है कि अब जैसे बारिश का सीज़न है तो उससे बहुत जल्दी से तुलसी उगाएगी। जितने भी हैं हम उसको काट लेंगे, यहाँ से कट करते रहेंगे खूब आराम से। देखो मैंने इस पौधे के सारे कट कर लिए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि तुलसी मैंने जो छोटे छोटे पौधों में उगा रखी है, इसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है जितना कि बड़े में, और हमें हमेशा बड़े ही गमले में उगानी चाहिए। तो हम इसके पहले ही सारी मंजनी कट कर लेंगे खूब आराम से कैंची की हेल्प से। और ये मैंने इसकी सारी मंजनी कट कर ली है। तुलसी हमारा एक मेडिसिनल प्लांट होता है, बहुत अच्छी हर्ब होती है, जिसको हम हर सब घरों में तुलसी मिलेगी। पूजा के साथ साथ हम इसको खाने में भी बहुत यूज़ करते हैं। आजकल तो वैसे भी खांसी जुकाम में हम लोग तुलसी की चाय पी सकते हैं, तुलसी का काढ़ा पी सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हम लोगों के लिए। तो मैंने इसको काट लिया, इसकी गुड़ाई कर ली। तो सबसे पहला हैक मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमारे घर में ये कॉफ़ी अवेलेबल होती है, कोई सी भी कॉफ़ी ले सकते हो आप, कोई सी भी कॉफ़ी ले सकते हो, ब्रू की, नेस्कैफे की, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बस हमको सिंपल करना क्या है कि एक बड़ा टीस्पून कॉफ़ी को, या एक ये पाउच है जो मार्केट में अवेलेबल होता है 2 रुपीज़ का, हमको इसको डायरेक्टली ग्लास पानी में डालना है, 100 से 150 ml पानी में, लगभग 150 से 200 ml भी आप ले सकते हो, और उसको अच्छे से इसमें डिजॉल्व करके और डायरेक्ट हमें तुलसी में ऐसे ही डाल देना है। तो इससे क्या होगा कि ये जो मिट्टी की ना फर्टिलिटी बढ़ाती है, जिससे कि क्या होता है कि हमारी मिट्टी को नाइट्रोजन मिलता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये, और नाइट्रोजन बहुत अच्छे से हमारी तुलसी को देता है और तुलसी को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तुलसी को सूखने से बचाता है। सेकेंडली, हमें क्या करना है कि सिंपली जो हल्दी पाउडर होता है इसको आप पानी में मिला के भी डाल सकते हो, और नॉर्मली भी जहाँ जहाँ हमें कीड़े लगते हैं आप इसको इस पर छिड़क सकते हो। इससे क्या होगा कि ये जो काले काले कीड़े हैं ये हट जाएंगे, और कभी कभी ना किसी किसी तुलसी पे वाइट बग्स भी आ जाते हैं, जो कि सफ़ेद सफ़ेद से कीड़े रेज ऐसा सा लग जाता है, जिससे भी हमारी तुलसी ख़राब हो जाती है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें तुलसी पे चैमिनन पाउडर यानी कि दालचीनी का जो पाउडर है वो डालना चाहिए, या दालचीनी को पानी में घोल के उसका घोल हमें डालना चाहिए। ये थी 2 हैक्स जो कि कीड़ा हटाने के लिए और तुलसी को अच्छे से ग्रो करने के। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये वाली तुलसी देख रहे हो, ये तुलसी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, मतलब कि ये केवल लंबाई में बढ़ रही है, ये घनी नहीं हो पा रही है तुलसी। और इसके लिए आप देख रहे होंगे मैंने इसको डंडी से सपोर्ट दिया हुआ, एक डंडी से बांधा हुआ है, तो जिससे कि मेरी तुलसी झुके ना एक साइड को, ये ख़राब ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमारी तुलसी लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में भी बढ़े, तो हमें ना इसका टिप पॉइंट काट देना चाहिए जो एंड पॉइंट होता है, फिर ये यहाँ से डबल बाइलेटरल मोड में होनी शुरू हो जाती है, और इसकी यहाँ से नई शाखाएँ निकलने लगती हैं और ये घनी होने लग जाती है। तो हमें ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि हम अपने तुलसी प्लांट्स को कैसे हेल्प करें, कैसे इसको काटने में, मतलब कैसे इसको ग्रो होने में हेल्प करें, ठीक है। चौथा मैं बताता हूँ कि ये क्या है, ये मैंने जो इसके अंदर डाल रखा है अपनी स्प्रे के अंदर, हमें इसके ऊपर गौमूत्र का भी स्प्रे कर सकते हैं हम, गौमूत्र का, जो कि मेरे को यहाँ पर ईजीली मेरे घर के पास गायें हैं उससे मिल गया था, जिस उससे भी ना ब्लैक बग्स नहीं लगते हैं। देखो पूज है क्या,
तो हमें डाल देना चाहिए, इससे भी हमें ब्लैक बग्स नहीं लगते। और गौमूत्र अगर आपके घर के आसपास गाय नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि पैक्ड भी गौमूत्र आता है, जैसे कि पतंजलि का आता है, डाबर का आता है, और भी हमदर्द वगैरह का भी शायद आता है, तो आप मार्केट में से उसको ले सकते हो और बहुत अच्छे से आप इसमें छिड़काव करोगे तो आपका इसमें काला काला कीड़ा नहीं लगेगा। पांचवा, आप नीम तेल भी इसमें डाल सकते हो, नीम की खल और नीम का तेल। नीम की भी ना बिटर स्मेल से इस पर कीड़े नहीं आते हैं, या जो और फालतू के कीड़े आते हैं जैसे जो उड़ने वाली फ्लाइंग्स होती हैं उनका हमला नहीं होता, उससे भी हमारी तुलसी बची रहती है। तो आज की वीडियो में बस फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपको तुलसी के बारे में और कुछ भी जानना है तो आप मेरे को नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।